गढ़ीमलारा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति सहित पशुओं की मौत हो गई है। वहीं उर्दमऊ ग्राम में बुधवार दोपहर अपने खेत पर सास और बहू काम कर रही थी। तेज बारिश होने लगी जिससे काम कर रही सास और बहू पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पेड़ के नीचे बंधी भैंस बकरी की मौत हो गई, वहीं बहू राम कुमारी घायल हो गई, साथ ही सास इस हादसे में बेहोश हो गई। दूसरी घटना ग्राम गौर की है। यहां पर बिहारी पाल जंगल में बकरियां चराने गए हुए थे, वहीं तेज हवा के साथ पानी गिरना शुरू हो गया। चरवाहा पानी से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुप गए। वहीं आकाशीय बिजली गिरने और उसकी चपेट में आने से चरवाहा और बकरियां मर गईं। बकरियों की मौत हो गई। बिजली गिरने की खबर लगते ही पास पड़ोस के लोग जमा हो गए, जिसकी सूचना पुलिस थाने में दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा बनाकर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पीड़ित किसान ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मदद की गुहार लगाई है। जी सर, यहाँ पे ये गाय छेड़ी वो बकरी बनी थी सर, और भी दो बकरी बनी हुई थी यहाँ पे, तो एक बकरी के इसके करंट लगा तो ये नीचे गिर गई। मेरी मम्मी उसी पेड़ के बगल में खड़ी थी, तो उसको भी थोड़ा करंट लगा तो वो गिर के नीचे गिर गई। फिर मेरी घरवाली भी उस दूसरे पेड़ के भैंस के उस तरफ खड़ी थी, तो उसको ज़्यादा करंट लगा तो वो अस्पताल गई है सर। तो मम्मी मेरी घर पे है अभी। शुरुआत किस तरीके की हुई है? 40,000 की भैंस लगा लो और 5,000 की छेड़ी जा अभी खरीदी जाती है, मान लो दूसरे के इधर से, तो मान लो इतने 40-45,000-50,000 रुपया को नुकसान करीब हमारा। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या आपने रिपोर्ट की है? जी सर। और तहसीलदार से बोला है? हाँ, तहसीलदार को फोन लगाया उसने, चौकीदार ने। तो क्या कहा अभी तक कोई अधिकारी? इतनी देर हो गई है आपको? कितनी देर हो गई है? मान लो 3 घंटे करीब हो गया। ये क्या बजे की घटना थी? 2 बजे के करीब थी। तो आज इतना समय हो गया आपने? घटना सवेरे खाना खा के ले गए पिताजी तक रही, बारह साढ़े 4 बजे के बाद तड़का बाजार जी, अचानक गिर पड़ेगा तो वहाँ कोई हता ना था। फिर आस पास के आए आदमी, देखा तो खेत में डरे थे। क्या नाम था उनका? बिहारी पाल। क्या कर रहे थे वो? बकरियाँ चरा रहे थे, 4 बकरियाँ खत्म हो गई। और अब